गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल टाउन खुड़ी और मैं रुखसार। सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय ब्राइडल मेकअप किट का वीडियो। एंड ये जो वीडियो है गाइज वो मैं दो पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। पहला जो पार्ट है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें मैं आपके साथ मेरा हल्दी एंड मेरा मेहंदी का जो ब्राइडल किट है वो आपके साथ शेयर करूंगी। एंड जो दूसरा पार्ट आएगा गाइज उसमें मैं अपना वलीमा एंड बारात का जो मेकअप किट रेडी करूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी तक मैंने जो है ना कोई भी मेकअप आर्टिस्ट को हायर नहीं करा है। मैंने हेयर स्टाइलिस्ट से तो बात कर ली है बट मेकअप आर्टिस्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है क्योंकि मुझे ना ट्रस्ट इशू हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे बात करूं या फिर कौन अच्छा सा मेरा मेकअप करेगी, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि बिग डे है तो कहीं मिस्ड अप ना हो जाए। क्योंकि कुछ मेकअप आर्टिस्ट ऐसी होती है जो कि आपको इतना ज्यादा हेवी मेकअप कर देती है कि आप अपनी उम्र से भी 5 साल बड़े लगते हो, तो वो चीज मुझे नहीं चाहिए। तो वो तो बात की बात है, लेकिन फिर भी मैं अपना मेकअप किट जो हूँ वो रेडी करने वाली हूँ। एंड गाइस आई नो कि ससुराल से भी ब्राइडल किट आता है बट वो तो उनके साइड से होगा, मैं तो अपने साइड से तैयार होकर रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सारी तैयारियां कर रही हूँ। और अगर आप एक ब्राइड टू बी हो या फिर अगर आप एक अच्छा सा अफोर्डेबल रेंज में अपना ब्राइडल मेकअप किट या फिर मेकअप किट को रेडी करना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल रेंज के मैं सारे ही प्रोडक्ट शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और मैं बहुत ज्यादा हाई एंड प्रोडक्ट नहीं मैंने लिया है, बिकॉज मेरी जितनी औकात थी मैंने उसी हिसाब से प्रोडक्ट को लिया है एंड कुछ मेरे पहले की भी प्रोडक्ट है। तो बातें बहुत ज्यादा हो गई, अब बिना ज्यादा लेट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इन द वीडियो। ज्यादा अभी गर्मी बढ़ गई है ना और फैन ऑफ करके वीडियो बनाना इज लाइक अ बिग टास्क, बट कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस सारे मेकअप के प्रोडक्ट को रखने के लिए मैंने एक बैग खरीदा है और वो है ये बैग। और ये मैंने खरीदा था अमेजोन से, अभी नहीं खरीदा था, ये मेरा पहले का है बट मैंने सिर्फ इसको एक बार यूज करा था जब मैं ट्रैवल कर रही थी। और ये ट्रैवलिंग के लिए भी इतना ज्यादा अच्छा है ना, बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगी। क्वालिटी वाइज भी बहुत ज्यादा अच्छा है, 400 से 500 के अंदर आपको ये मिलेगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे ये लगा। एंड यहाँ पे से जो है ना आपको ये चेन मिलता है, मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है, इसलिए मैंने इसको लिया है कि ट्रैवलिंग के दौरान भी ये मेरा काम आएगा। तो ये आप देख सकते हैं इतना सारा यहाँ पे कंपार्टमेंट है, ये यहाँ पे ब्रश वगैरह रखने के लिए, यहाँ ऊपर में भी जगह है एंड फिर उसके बाद नीचे में भी एक कंपार्टमेंट है। तो बहुत सारा जो है ना मेकअप का प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा। ये देखिए यहाँ नीचे में भी कंपार्टमेंट है एंड ये ऊपर में भी कंपार्टमेंट है, साथ में एक जो है वो मिरर भी इसके साथ आता है। तो बहुत अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट लगा। तो चलिए फटाफट से इसके अंदर मेकअप रखते भी जाएंगे एंड आपको दिखाते भी जाएंगे। गाइज मेकअप वैनिटी में जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं रखने वाली हूँ वो है एक मॉइस्चराइजर, और ये रहा वो मॉइस्चराइजर, ये है डॉक्टर शित का सेरामाइड एंड विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इन समर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, ये ऑयल फ्री फार्मूला है इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह जो है ना आपके स्किन पे नहीं लाएगा, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है स्वेट। और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, आपको 350 के अराउंड ये इजिली मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं रख रही हूँ इसको। देन उसके बाद आजकल स्ट्रोक क्रीम का बहुत ज़्यादा चलन है, तो मेरे पास बहुत सारे स्ट्रोक क्रीम है बट मैं कुछ अफोर्डेबल में रखना चाह रही थी और मैं बिल्कुल ना वो पुट्टी होता है ना वैसा मेकअप नहीं करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा नेचुरल वे में रखना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने NYBay का ये स्ट्रोक क्रीम लिया है और इसमें शायद मेरा जो शेड है ना वो है रोज डायमंड, और इसमें बहुत ही प्यारा सा जो शीन है ना वो प्रोवाइड करता है। बहुत अफोर्डेबल रेंज का है, आई गेस ये 250 के अंदर आपको इजिली मिल जाएगा। तो ये मैंने रखा है सेकेंड प्रोडक्ट जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। स्ट्रोक क्रीम के लिए गाइज मैंने यहाँ पे प्लम का स्ट्रोक क्रीम भी लिया है अपने मेकअप वैनिटी पे रखने के लिए, और ये है प्लम का मास्टर स्ट्रोक इल्यूमिनाइजर और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मेरा जो शेड है आई थिंक इसमें मैंने 02 लिया है, पीच परफेक्ट, बहुत ही अच्छा सा शीन प्रोवाइड करता है। तो मैंने दोनों लिया है, एक मैं हल्दी में लगाऊंगी एंड एक मैं मेहंदी में लगाऊंगी, दोनों में से जो मुझे उस टाइम पे समझ आएगा मैं दोनों ही यूज कर लूंगी। इसके अलावा मैंने एक एज अ मॉइस्चराइजर के लिए भी लैक्मे का रख लिया है, ये भी काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है और ये आपको 250 के अराउंड मिल जाएगा, बहुत ज्यादा नेचुरल जो है वो आपको ये लुक देता है। तो इसको भी मैंने एज अ स्ट्रोक क्रीम रख लिया है। मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ ये वाला पैलेट जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक का है और ये कंसील करेक्टर एंड कॉन्टोर करने के लिए मैं रख रही हूँ। हालांकि मैं सिर्फ इसे कंसीलर ही करूंगी अपने जो भी डार्कनेस है उसको छुपाने के लिए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइज और ये आपको 170-180 रुपए में मिल जाएगा और इतना मतलब आपको प्रोडक्ट सफिशियंट होता है यूज करने के लिए। तो मैं यही वाला रख ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत हेवी बेस नहीं चाहिए।
एंड गाइस प्राइमर के लिए मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो मैं ये दोनों ही प्रोडक्ट रख रही हूँ। सबसे पहला तो डर्माको का ये 2% नायसनामाइड पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है, सिलिकॉन बेस है एंड अभी के समर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो मैं सिलिकॉन बेस ही प्राइमर प्रेफर कर रही हूँ अभी, इसलिए मैंने इसको लिया है। ये भी आपको 400 से 500 के अंदर इजिली मिल जाएगा एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डेफिनेटली अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हो। एंड जो दूसरा है वो है ये ब्लू हेवन का है फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर गाइज, और ये भी जो है ना वो एक सिलिकॉन बेस प्राइमर है, बहुत ज्यादा अच्छा है ये भी, ये आपको 250 के अराउंड मिल जाएगा। तो ये मैंने दो ऑप्शन रखे हैं, मुझे दोनों में से जो भी समझ आएगा मैं उसको यूज करूंगी। एंड गाइस कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे दो प्रोडक्ट लिया है, एक मैंने NYBAY का कंसीलर लिया है एंड इसका नाम है NYBAY SD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर। आई मीन द शेड मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, डार्क एंड व्हाइट चॉकलेट, ठीक है 03 मैंने शेड लिया है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन पे, अदरवाइज ये मैं इसी को रखूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा यू नो हेवी बेस नहीं चाहिए और काफी अच्छा कंसीलर है ये, देखिए कुछ इस तरह का है। ये मैंने कुछ टाइम पहले ही लिया था, वही शादी का ही लेकर मैंने इसको लिया था, तो ये एक मैं रख रही हूं। और दूसरा जो है वो मेरा फेवरेट है स्विस ब्यूटी का ये वाला लिक्विड कंसीलर, जो कि अब मुझे लगता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स का फेवरेट होगा। एंड आई मीन द शेड इस बार मैंने थोड़ा शेड चेंज करके लिया था, वो है 05 मीडियम मायोन, ठीक है तो ये है और इसको भी मैंने रख लिया है। ये बहुत अच्छे से हाइलाइटिंग का काम करेगा, ये बहुत अच्छे से परफेक्टली मेरे स्किन टोन के हिसाब से जा रहा है, तो मैंने इसको रख लिया है। तो दो मैंने अपना कंसीलर रखा है दो फंक्शन के लिए। उसके बाद अगर मैं फाउंडेशन के बारे में बात करूँ तो फाउंडेशन में काफ़ी सारे ऑप्शन थे मेरे पास और मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थी कि मैं क्या लूँ क्या लगाऊँ। मैंने सोचा ना सबसे बेस्ट जो है अभी के टाइम पे वेदर के हिसाब से फिटमी का है, मेबिलिन फिटमी पोरलेस फाउंडेशन गाइज, और ये मेरा जो शेड है इसके अंदर 128 है, इसमें 22 SPF भी है और ये मेरे जो है ना स्किन टोन के हिसाब से बहुत अच्छे से जाता है, तो मैंने ये स्मॉल साइज ही लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। बिग साइज में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया बिकॉज पिछले बार मेरा एक्सपायर हो चुका था और ये जो है ना मैंने ले लिया है, मैं इसी से करूंगी अपना मेकअप। दो फंक्शन इसलिए दो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दूसरा जो फाउंडेशन है ना वो है लैक्मी का ये इनविजिबल फाउंडेशन एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशन, बहुत ज्यादा लाइट वेट है एंड बहुत अच्छी कवरेज देता है, मेरे स्किन टोन के हिसाब से बहुत अच्छे से जाता है एंड एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगता, लगता है कुछ तो लगाया बट क्या लगाया वो नहीं पता चलता है। और आई एम द शेड 02 मैंने इसमें लिया है और 02 बहुत अच्छे से जाता है मेरे स्किन के साथ, तो ये है लैक्मी का और ये काफी अफोर्डेबल है, आपको 270 या 260 के अराउंड मिल जाएगा। उसके बाद गाइज मैंने रखा है ये काजल मामा अर्थ का और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और काफी लॉन्ग लास्टिंग है, काफी जेड ब्लैक। गाइज मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे स्काई हाई मस्कारा लिया है, ये आपको 500 के अराउंड मिल जाएगा, बहुत अच्छा जो है ना ये मस्कारा है और काफी अच्छे से जो है ना आपके आंखों को मतलब फॉल्स लैसेस का इफेक्ट देता है। गाइज नेक्स्ट मैंने आई लाइनर के लिए लिया है ये स्विस ब्यूटी का आई लाइनर और ये लॉन्ग लास्टिंग है और काफी आपका जो है ना जेड ब्लैक देता है जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, तो और काफी अच्छी टिप के साथ ये आता है तो बहुत इजीली लग जाता है, तो इसलिए मैं इसको ले रही हूँ, इसमें अपना रख रही हूँ। इसके अलावा गाइज मैंने एक और काजल भी एड ऑन करा है और ये जो है ना मार्स का है और मार्स का ये गोल्डन कलर का जो है वो आप एज आ शेडो भी यूज कर सकते हो और काजल के तरह भी यूज कर सकते हो, तो इसको मैंने रखा है। सो गाइज अब मैं रखने वाली हूँ अपने आई के मेकअप के प्रोडक्ट्स, तो सबसे पहले आई शेडो की जरूरत होगी, तो आई शेडो के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का ये वाला लिया है गाइज, और ये इतना ज्यादा अच्छा मतलब कि आई शेडो पैलेट है ना, मुझे जो जो कलर चाहिए था ना वो सारे कलर्स इसमें हैं। आप इसमें थोड़े से आपको शिमर मिल जाएंगे, थोड़े से मैट मिल जाएंगे एंड काफी ज्यादा यू नो कलरफुल वाला जो है वो पैलेट है, तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है और ये काफी ज्यादा डबल भी है, ये 100-350 के अराउंड इजिली मिल जाता है, तो ये मैंने आई शेडो रखा। एक और आई शेडो लिया है वो है ये हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट एंड ये जो है ना ड्यूप है बट फिर भी इसका पिगमेंटेशन वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का, इसमें एक मिरर भी आता है, तो ये वाला मैंने रखा, इसमें भी काफी सारे कलर्स है जो मुझे चाहिए, ठीक है ये भी मैं इसमें रखने वाली हूँ गाइज, और ये आपको इजीली जो है ना वो काफी सारी जगहों पे मिल जाएगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो वगैरह पे भी ये इजीली अवेलेबल है। मैं एक न्यूड वाला जो है ना वो भी पैलेट रखने वाली हूँ, अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, ये आपको 250 के अराउंड 200 के अराउंड मिल जाएगा और ये जो है ना वो माई ग्लैम का है, तो इसमें जितने भी आपको शेड्स मिलेंगे ना ये आपको मिल जाएंगे न्यूड में, तो न्यूड शेड जो है वो भी कई बार जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है मुझे नीड पड़े तो इसलिए मैंने इसको भी लिया है।
एंड इसके अलावा गाइज मैंने ये ग्लिटर वाला भी लिया, ये मैंने लिया था मीशो से और ये अभी तक मेरे पास है और अभी तक चल भी रहा है, तो ये जो है ना मैं रखने वाली हूँ। एंड इसमें आपको काफी सारे कलर्स मिल जाएंगे, इसको रख ले रही हूँ ताकि अगर मुझे कुछ ग्लिटरी आईज वगैरह करने का मन हुआ तो मैं डेफिनेटली इससे क्रिएट करूंगी। एंड ये न्यूड वाला मैं रख ले रही हूँ, तो 3-4 पैलेट जो है ना वो आप रख सकते हो अपने, कोई एक भी ले सकते हो और अगर आप चाहे तो आप चारों ले सकते हैं। नेक्स्ट गाइज मैंने ब्लश के लिए एक और ये पैलेट लिया, ये माइग्लैम का मैंने लिया था और कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो मेरे पहले के, तो ऐसे भी वेस्ट हो जाएंगे तो इसलिए मैं इसको यूज करना चाह रही थी। ये कुछ इस तरह का है, ये मुझे उस टाइम तो 800 रुपए पे पड़ा था बट इस टाइम पे इसकी जो है ना थोड़ी सी अभी रेट कम हो गई है। इसमें आपको ना ये 3 मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिरर भी मिलता है, कॉन्टोर मिलेगा, ब्लश मिलेगा एंड हाइलाइटर मिलेगा। हाइलाइटर बिल्कुल बेकार है, इसको तो यूज मैंने एक बार भी नहीं किया सही से, और ब्लश काफी ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल कोरल पीची सा ये भी है तो इसलिए मैंने इसको रखा है, और इसका जो है ना कॉन्टोर भी काफी ज्यादा अच्छा है तो मैंने सोचा कि कॉन्टोर वगैरह मैं इसी से कर लूंगी। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, सही है। तो अब आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वाला। गाइस सारे मेकअप को लॉक करने के लिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ स्पिंच की ये बीबी ब्राइटनिंग एंड ब्यूटी फेस टैल्क, और ये नेचुरल बेज शेड है और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। एज अ लूज पाउडर आप इसको यूज कर सकते हो एंड इसका जो शेड है ना वो काफी ज्यादा मेरे स्किन से मैच करता है, देन इसीलिए मैं इसको रख ले रही हूँ गाइस, ताकि वो मेरा अच्छा से मतलब फेस को वो सेट कर दे, पसीना वगैरह जो वो थोड़ा कम आए। एंड गाइज इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 ब्यूटी ब्लेंडर भी लिए हैं, इसको भी मैं इसके अंदर रखने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे वाला मेरा पूरा फिल हो गया है लगभग, एंड ऊपर जो है ना इस साइड पे मैंने सारे आई शेडो जो है वो रख दिए हैं, आई शेडो पैलेट्स। एंड इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या है मेरे पास, तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद ये जो है ना मैं एक परफ्यूम जो हूँ वो भी रख रही हूँ, ताकि लास्ट मिनट में मैं थोड़ा सा परफ्यूम कर लूँ अपने आउटफिट पे, तो काफ़ी अच्छा है कि स्मेल आएगा, तो ये भी मैं साथ में रख रही हूँ। तब बारी आती है हाइलाइटर की, तो हाइलाइटर के लिए मैं हमेशा ऑल टाइम फेवरेट ये वाला रखने वाली हूँ, ये मियोन का है एंड आई एम द शेड 04 रोज गोल्ड। काफ़ी अच्छा ये हाइलाइटर है और मैंने काफ़ी बार इसको यूज़ करा है, ये बहुत ही प्यारा सा शीन देता है आप देख सकते हैं, तो ये मैंने रखा है। और ज़्यादातर मैं पाउडर जो है ना वही प्रोडक्ट यूज़ करूँगी एंड क्योंकि गाइज अभी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो पाउडर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे तो आपका जो फेस है वो कुछ ही देर में काला पड़ जाएगा, तो पाउडर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना पाउडर बेस्ड वाले वो काफी देर तक चलते हैं एज कम्पेयर जो क्रीम बेस्ड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड गाइज मैं लिपस्टिक में काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगी, तो मैंने 3-4 रख लिए। एक मैंने अपना फेवरेट वाला रखा है वो है स्विस ब्यूटी का ये वाला शेड, गाइज बहुत ज्यादा अच्छा है और मेरा मोस्ट फेवरेट है, और ऐसा जो है ना पिंक मुझे आज तक किसी और दूसरे ब्रांड में नहीं मिला, ये है 05 फायर पिंक, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड स्विस ब्यूटी का ही एक और है, ये भी मोस्ट फेवरेट है मेरा, ये है 01 शेड एंड ये है शिरीन इन स्कारलेट, एंड उसके बाद ये है मेरा मोस्ट फेवरेट, इसको भी मैंने रख लिया है, हो सकता है मैं इसी को यूज़ करूँ। और ये जो है पिंक कुलाडा है शेड और लव अर्थ का ये है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये तीनों ही चारों ही बहुत ज़्यादा अच्छे शेड है। एंड ये एक और शेड है गाइज जो कि NYB का है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है एंड ये है 3 मोचा न्यूड। कुछ लिपस्टिक है गाइज जो कि मैं अपने वैनिटी पे ऐड करने वाली हूँ। उसके बाद गाइज मैं फर्स्ट में आपको दिखाना भूल गई थी, मुझे पहले दिखाना चाहिए था, वो है ये ब्लू हेवन का आईब्रोज सेट करने के लिए है, और ये है स्कर्ट एंड सेट ब्रॉज जेल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बट ये सिर्फ मुझे पार्टी वेयर तक के लिए ही ठीक लगता है, अगर आप नेचुरल लुक चाहते हो तब उसके लिए ये नहीं सही है, बट मैंने इसको रख लिया क्योंकि मुझे पार्टी के लिए ही चाहिए था और मुझे थोड़े से हेवी जो है ना वो आईब्रो चाहिए क्योंकि ऐसे भी मेरे आईब्रोज पते ही नहीं चलते। मेरे मेकअप वैनिटी में अब मैं डालने वाली हूँ ये सेटिंग स्प्रे, ये जो पहला है वो है माइलैप का और ये काफी अच्छा है, मतलब कि बजट फ्रेंडली है, ये आपको 250 के अंदर इजीली मिल जाएगा, तो ये वाला मैंने रख लिया है क्योंकि मुझे बहुत हेवी बेस नहीं चाहिए था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हेवी वाले प्रोडक्ट भी यूज नहीं करूंगी। एंड ये ब्लू हेवन का है, यह है लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर एंड ये ड्यूई लुक देता है, काफ़ी अच्छा है ये, मुझे माइलैप से भी ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये भी आपको 250 के अराउंड मिल जाएगा, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट मैं रखने वाली हूँ। तो गाइज इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल चीज़ें जो कि रखनी ही रखनी चाहिए थी मुझे, और वो है ये सेफ्टी पिंस, यानी कि ड्रैपिंग वगैरह में मतलब मदद करेंगी। उसके बाद ये जो है बॉबी पिंस मैंने रख लिया है, इसके अलावा मैंने जो है वो इस तरह के जो है ना ब्लैक रबर बैंड्स रख लिए हैं जो कि मेरे काम आ सकते हैं। एंड इसके अलावा मैंने कुछ जो है वो इस तरह के पिंस रख लिए गाइस जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो मैंने कुछ रख लिए हैं, मेरे पास बहुत सारे थे, तो ये भी मैं इसके अंदर रखने वाली।
सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो नीचे का कंपार्टमेंट था ना मेकअप रखने वाला, वो पूरा फुल हो चुका है। एंड ऊपर वाला कंपार्टमेंट में आपको दिखाती हूँ, देखिए नीचे वाला पूरा फुल हो गया है। एंड ये ऊपर वाले में ना मैंने यहाँ पे आई शेडो पैलेट्स रख दिए हैं गाइज, और अब मैं ब्रश वगैरह ही रखूंगी। और आई थिंक कि मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ, और इन केस अगर मैं कुछ भूलती हूँ तो मैं इसमें फिर से रखूंगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसका चेन लगा देती हूँ, एंड आप लोगों के साथ ही मैंने अपना मेकअप किट जो है वो यहाँ पे रखा है। सो गाइज लास्ट में आती है मेकअप ब्रशेस की बारी, जिससे मैं अपना पूरा मेकअप करूंगी। तो ये मैंने अलग से मेकअप ब्रशेस खरीदे थे, मीशो से खरीदे थे, यस हाँ मीशो से ही खरीदे थे, और सबको मैंने अच्छे से धुल के रखा था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसका नीड होगा। एंड मोर देन मेरे पास काफ़ी सारे ब्रशेज है, आप देख सकते हैं ये इतने सारे ब्रशेज हैं। तो मैं इसको वन बाय वन रखूंगी, देखती हूँ कि मेरे कौन कौन से काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये पाउडर ब्रश है जो कि मेकअप को सेट करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेंगे, तो इसको मैं रख दे रही हूँ फटाफट से। एंड उसके बाद गाइज ये हो गया मेरा पाउडर ब्रश यानी फाउंडेशन ब्रश। तो फाउंडेशन मिलाने के लिए मैं इसको रख ले रही हूँ ऐसे, मैं तो स्पंज मैंने रख लिया है। और इसके अलावा ये देखिए कॉन्टोर के लिए है, ये थोड़ा सा बेंड है ना, तो ये कॉन्टोरिंग के लिए मैं रख ले रही हूँ गाइस, ताकि ये भी मेरा काम आए। रख रही हूँ ब्रश, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पैट करने में काम आता है, तो इसको भी मैं डाल ले रही हूँ इसी के अंदर। और इसके अलावा ये जो है ना आईब्रोज वगैरह को सेट करने के लिए पतली वाली जो है वो मैं रख ले रही हूँ, हो सकता है इसकी भी मुझे नीड पड़े। एंड इसके अलावा ये मैं आईब्रोज पे काम करने के लिए ये मैं रख ले रही हूँ, ठीक है, ये भी काम आ सकते हैं। और ये मैं रख ले रही हूँ ये वाला ब्रश गाइस, जो कि पेंसिल ब्रश है, और इससे ना अच्छे से मतलब शेप वगैरह देने के लिए ये भी मेरा काम आ सकता है। और ये जो है ये मैंने छोटे छोटे जो है ब्रशेस रख लिए हैं, आई थिंक और मेरे ब्रशेस और भी मेरे ब्रशेस थे बट पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए हैं। और ये देखिए गाइस कुछ मैंने जो है वो ब्रशेस भी लिए थे, तो ये ब्रशेस भी रख ले रहे हैं, ये आई मेकअप के लिए ब्रशेस है, तो ये वाले ब्रशेस भी मैंने ले लिया है। और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और मेरा जो है ना इजीली इससे ही मेकअप मैं करूँगी। तो फटाफट गाइस यहाँ पे मेरा मेकअप किट जो है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में मैंने सारा जो है वो आई शेडो पैलेट रखा है, एंड इस वाले कंपार्टमेंट में आप देख सकते हैं मैंने सारे मेकअप ब्रशेज रखे हैं, एंड नीचे वाले साइड में सारे मैंने मेकअप के प्रोडक्ट्स रखे हैं। सारा जो मेकअप का प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो गया है, आई थिंक कि मैंने सब कुछ अच्छे से रख दिया होगा, फिर भी अगर मैं कुछ भूलूंगी तो जरूर इसमें ऐड ऑन कर लूंगी। और ये मेरा मेकअप किट तैयार। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप कि आज का मेरा ये ब्राइडल मेकअप किट वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो कि मैंने अपने हल्दी एंड मेहंदी के लिए रेडी करा है। होप सो कि मुझे कोई अच्छी सी मेकअप आर्टिस्ट मिल जाए तो मैं उसको जरूर बुक करूंगी, बट उस टाइम तक के लिए मेरे लिए तो यही काफी है गाइज, क्योंकि मैं इससे भी अच्छा मेकअप क्रिएट कर सकती हूँ। बिकॉज देखो टेक्निक आनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा आपको महंगे लेने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूंगी, जिसमें मैं अपना वलीमा एंड बारात के लिए जो ब्राइडल किट बनाऊंगी वो शेयर करूंगी। तो उस टाइम तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आज का ये वीडियो आपको किसी भी रीजन से थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज इट्स मीन अ लॉट फॉर मी गाइज, एंड प्लीज मुझे ग्रो करने में हेल्प करें। तो गाइज आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने उस पर्सन के साथ जो कि होने वाली है ब्राइड टू बी, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ किसी अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना खूबसूरत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।